मेदिनीनगर के शिवाला घाट स्थित शिव मंदिर में श्री महावीर नवयुवक दल जनरल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नव चयनित अध्यक्ष पंकज जायसवाल ने की। बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने इस बार रामनवमी पूजा बड़े धूमधाम के साथ मनाने की बातें कही। कहा कि आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए रामनवमी पूजा मनाई जाएगी। कहा इस बार की पूजा में अखाड़ा मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि पुरानी परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसे दोबारा लाने का प्रयास किया जाएगा। कहा कि लाठी डंडा तलवार भाला गड़ासा से लोग अखाड़ा में भाग लेंगे। वहीं कहा कि ससमय शोभा यात्रा निकाली जाएगी ताकि जिले की माता बहने झांकियां का आनंद उठा सके। श्री जायसवाल ने कहा कि नगर निगम से अपील करते हैं, शहर में झुके हुए तारों को ठीक करें, सड़कों को दुरुस्त करें, कोई अप्रिय घटना न घटे इसलिए अपने तार को दुरुस्त कराए। साथ ही कहा कि जितने भी राम भक्त हैं वो कम साउंड में ही अपने पर्व को अच्छा तरीके से मनाए, डीजे बजाए लेकिन उसका डेसिबल कम करके बजाए। कहा कि लगभग 1000 झंडा और 30 रथ इस बार शहर के विभिन्न इलाकों से निकाली जाएगी। साथ ही नए टीम की घोषणा भी की, जिसमें अध्यक्ष पंकज कुमार जायसवाल, महामंत्री विकास सिन्हा, प्रधान कैप्टन विनय ओझा, राजू चंद्रवंशी, मंटू गिरी, उत्तम सिंह, कोषाध्यक्ष शशिकांत कुमार, बिट्टू कुमार, संरक्षक जुगल किशोर, दीपक सिघानिया, मंगल सिंह, मनोज सिंह भाजपा नेता, बिट्टू पाठक, राम नरेश स्वर्णकार, रामनाथ चंद्रवंशी, सोनू सिंह नामधारी, विधायक आलोक चौरसिया, आलोक सिंह जिला परिषद उपाध्यक्ष, विपिन वर्मा, सुरेंद्र सिंह, अर्जुन पांडे और गुरु पांडे, किशोर पांडे, बसंत जौहरी, अशोक ओझा एवं दीपक तिवारी होंगे, जबकि उपाध्यक्ष में ज्योति पांडे, अमित तिवारी, रंजीत जायसवाल, रंजीत कुमार सिंह, हरिओम शंकर, पप्पू कुमार लाट, संदीप कुमार दास, चंद्रभूषण जायसवाल, अमृत अग्रवाल, सुरेश कुमार, बंटी कुमार के साथ साथ मंत्री विकास कांस्यकार, विनय शर्मा, सोनू कुमार, चिंटू गुप्ता, राजेश रोशन, रंजीत बाबा, कृष्ण राज, रंजीत बर्मन, अरविंद गुप्ता, राहुल कुमार, उमाशंकर मिश्रा, उप प्रधान कैप्टन राजन सहाय, रोहित चौधरी, पिंकू मिश्रा, रंजन वर्मा, राहुल अग्रवाल, संगठन मंत्री शुभम साहू, जितेंद्र कुमार गुप्ता, राजकुमार बर्मन, राकेश शर्मा, रथ प्रभारी धीरज जी, राजू जी, कार्यकारिणी सदस्य शशि कुमार, विक्रम सिंह, विकास गुप्ता, आशीष श्रीवास्तव, अभिनव चटर्जी, पूजा प्रभारी अनिल पांडे, कैमरामैन आकाश गुप्ता का नाम शामिल है। चाहते हैं कि वो हमारे आधारशिला है, उनके बल पर ही यह रामनवमी पूजा हो पाती है। मतलब यही है कि सभी लोग, जो एक हमारा कार्यकर्ता भी है, वह भी सब लोग महत्वपूर्ण है। यानी कि सारे के सारे जो हमारे कार्यकर्तागण हैं वह अपनी मेहनत करते हैं, उनके ही आधार पर, उनके ही बल पर ये पूरा रामनवमी पूजा रखा पाता है। तो हम, मेरा यही है कि वो हमारी इकाई है, इकाई ही नहीं रहेगा तो हमारा त्यौहार कैसे मनेगा। इस बार हमारे भगवान राम का लगभग 500 वर्ष के बाद अपना गृह प्रवेश हुआ है, राम मंदिर बना हुआ है और पूरा भारत के हमारे जो आधारशिला हैं भगवान राम, उनके जन्मदिवस का हमारा त्यौहार है, रामनवमी त्यौहार है। यह एक शौर्य का त्यौहार है और एक आदर्श का त्यौहार है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि हमें राम जैसा बनना चाहिए, राम जैसा पुत्र, राम जैसा जो है आचरण करना चाहिए। यह हमें धर्म के जो पराकाष्ठा है वो सिखाता है हमें। तो हम चाहेंगे कि हमारे समाज के युवा वर्ग, माताएं, बहनें, सभी वर्ग राम के आदर्शों का अनुपालन करें और उनके बताए हुए चिन्हों पर चलें। और यही हमारा सही मायने में जो सही पूजा होता है, पूजा का सही मतलब माध्यम वही होगा। अगर हम खूब पूजा करें और राम के आदर्शों पर न चलें तो इस पूजा करने का कोई मतलब कुछ है नहीं। शहर में क्या लोग नया नया चीज़, शहर में हम लोग जो पुरानी परंपराएं थी, जो गोल लगता था, गोल में लाठी डंडा का प्रदर्शन होता था, वो प्रदर्शन हमें लगता है, मेरा व्यक्तिगत स्तर पे मानना है या हमारे लोगों का मानना है कि वह पहले से कम हो गया है। हम चाहेंगे कि उसमें वृद्धि हो और हमारे युवा वर्ग उस ओर आकर्षण हो, उनका आकर्षण बढ़े। हम लोग ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करेंगे और लगातार हम लोग, अभी हमारे जो गांव से कुछ लोग उस लाठी के खेल को सिखाने के लिए आएंगे लोग,
और हमारे युवाओं को जो भूल चुके हैं या फिर उस और उनका आकर्षण नहीं हुआ है, हम चाहेंगे कि उनका आकर्षण बढ़े और उसके लिए हम लोग 3-4 कैंप करेंगे, 3-4 अखाड़ा हम लोग बनाएंगे जिसमें जिसके माध्यम से हमारे युवाओं को आकर्षण दिया जा सके। जिला प्रशासन और धर्म प्रेमी लोगों से क्या अपील करना है? जिला प्रशासन अपना भूमिका अच्छे से निभाता ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे सभी लोग अपने हैं, कोई हमारे कोई गैर नहीं है, कोई हमारे समाज का हिस्सा है, पुलिस के लोग हैं या फिर DCSP हमारे FDO जो भी है, हमारे समाज का हिस्सा है, वो हमसे कोई अलग नहीं है। वो भी उनका भी त्यौहार है, ये त्यौहार केवल हमारा मात्र नहीं है, सबका त्यौहार है, तो सभी का सहयोग रहता है। और हमें लगता है कि जो कुछ कमियां हैं, हम लोग रामनवमी त्यौहार के परिप्रेक्ष्य में कहीं कहीं बिजली का, पानी का और कहीं पर सड़क का, कई जगह समस्याएं हैं, सड़क कहीं कहीं पर डैमेज है, कहीं पर ऊंचा नीचा है, जहाँ पर हमारा रथ जो है गिरने की संभावना है कई स्थानों पर है। जैसे कि हमारा जो रथ हमारा घूमता है, तेरी पट्टी घूमता है, वहाँ पर एक चहान है, वहाँ पर स्लोपिंग बना दिया गया है किसी घर के द्वारा, तो हम चाहेंगे कि उन समस्याओं को जो हमारा निगम के लोग अपने से भी आकलन करें, उसका देखें उसको और दूर करने का प्रयास करें। ऐसे हमारे लोग तो हम देखने का काम करेंगे ही, और जो समस्याएं हम तक आएंगी हमारे संघों के माध्यम से, हमारे लोगों के माध्यम से, हमारे जो रामनवमी पूजा कमेटी के माध्यम से आएगा, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे, उचित जो उसका प्लेटफॉर्म है उस तक पहुँचाने का काम करेंगे। और शहर के विभिन्न कमेटियाँ जो है उससे क्या अपील करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे शहर के विभिन्न कमेटियाँ हैं, हमारा एक चुनावी महापर्व भी है, यह भी लोकतंत्र का महापर्व है, उस संदर्भ में हम अपने राम जी का त्यौहार भी मनाएं और जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन भी करें। दोनों आवश्यक है, धर्म भी आवश्यक है और देश भी आवश्यक है। तो देश का हमारा महापर्व है, वो चुनाव महापर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, वो एक तरह से कहा जाता है।